और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में लगातार दूसरे दिन बीते 3 घंटे से एएसआई का सर्वे जारी है। ज्ञानवापी सर्वे पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने अभी भी तहखाने की चाबी नहीं दी है। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि तहखाने की चाबी सर्वे टीम को दी जाए। एएसआई की सर्वे की जो टीम है उसका मानना है कि तहखाने में महत्वपूर्ण तथ्य छिपे हुए हैं, लेकिन चाबी अभी तक नहीं दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो पहले भी जब सर्वे हो रहा था उस वक्त भी कह रही थी कि हम बहिष्कार करते हैं और अब तहखाने की चाबी नहीं दे रही है। देखिए कोर्ट के आदेश है और उसी के बाद टीम वहां पर पहुंची हुई है सर्वे करने के लिए, लेकिन बावजूद इसके चाबी नहीं मिल रही है। ज्यादा जानकारी ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी वीरेश पांडे देंगे। वीरेश जी, ये कोर्ट के आदेश है कि सर्वे हो, टीम वहां पर जाए और टीम आदेशों के तहत वहां पर सर्वे कर रही है, बावजूद इसके चाबी नहीं दी जा रही है। क्या चल क्या रहा है वहां पर? देखिए मुस्लिम पक्ष आज जरूर वहां पहुंचा और मुमताज अहमद जो वकील हैं सर्वे के बीच बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने एबीपी न्यूज से कहा कि एएसआई जो कर रही है काम, उसने हमें नोटिस तक नहीं दिया, हमें बुलाया तक नहीं, ये नियम विरुद्ध है, हम इसकी शिकायत करने कोर्ट में जा रहे हैं। वो यहाँ से निकलकर सीधे जिला कोर्ट जा रहे हैं। अब उससे अभी लगता है कि 10 मिनट के अंदर वो जिला कोर्ट के अंदर होंगे। और रही बात तहखाने की, जो सबसे महत्वपूर्ण, देखिए एएसआई की टीम से जब हमारी बात हो रही थी उसका भी ये कहना था कि सबसे महत्वपूर्ण अगर कहीं साक्ष्य छुपे हैं तो वो तहखाना है। जब हिंदू पक्ष से मेरी बात हो रही थी उनका कहना था कि जो तहखाना है ज्ञानवापी का वो सबसे निर्णायक होगा और ऐसे में उसकी चाबी अंजुमन इंतजामिया कमेटी के पास है, लेकिन वो चाबी अभी तक प्रशासन को और एएसआई को नहीं दी गई है। ये बड़ी खबर आपको मैं दे रहा हूँ। हालांकि जो जिला प्रशासन है वो लगातार निरंतर प्रयासरत है, कोशिश कर रहा है कि वो जो तहखाना है उसकी चाबी मिले और रहस्य सबके सामने आ जाए, लेकिन एएसआई अपना काम कर रही है। पश्चिमी दीवार पर कोशी में काम कर रही है, वजूखाने को छोड़कर टीम काम कर रही है, उत्तरी दीवार पर एक टीम काम कर रही है। वीरेश, वजूखाने को छोड़कर अगर पूरे परिसर का सर्वे करने के आदेश दे दिए गए हैं और अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने यह भी कहा है कि वो सर्वे का सहयोग करेगी, उसने भले ये कहा कि नोटिस नहीं दिया गया लेकिन सर्वे का सहयोग करने, क्योंकि वो कोर्ट के आदेश के पालन करने की बात तो कह रहे हैं ना, तो कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि जब चाबी एएसआई की टीम मांगेगी तो दे देंगे और अभी चाबी भी नहीं सौंप रहे हैं। और अभी उनके 7 या 9 लोग, आप मुझे करेक्ट करिएगा, कि शायद 9 लोग शामिल भी हैं इसमें और उसके बाद वो फिर कोर्ट चले गए वापस। क्या माजरा है ये? देखिए जो मुमताज अहमद हैं सवेरे भी आए तो उन्होंने कहा कि भाई बिना नोटिस के मैं आ रहा हूं, बेमन से आ रहा हूं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो अब से आधे घंटे पहले एएसआई सर्वे कर रहा है। एएसआई ने हिंदू पक्ष के वकीलों को भी बुलाया है, कोर्ट उनका भी है, मुस्लिम पक्ष के वकील भी जिला कोर्ट में ही अपनी अदालत करते हैं, अपना कोर्ट कचहरी करते हैं। लेकिन मुमताज अहमद निकल आए, उन्होंने कहा कि मैं तो कोर्ट में शिकायत करने जा रहा हूँ, शिकायत ये करने जा रहा हूँ कि हमें एएसआई ने बुलाया ही नहीं, समय से नहीं बुलाया और समय से और जो प्रोसेस होता है उसका पालन तक नहीं किया। पालन इस लिहाज से नहीं किया कि हमें नोटिस देना चाहिए कि आपकी सर्वे हो रही है, आप उसके पक्ष हैं, अब पक्षकार हैं तो आपको आना चाहिए, लेकिन जो नियम है उसके खिलाफ काम हो रहा है। नियम के खिलाफ काम हो रहा है तो इसकी शिकायत हम कोर्ट में करेंगे और रिटेन में करेंगे। उन्होंने साफ एबीपी न्यूज से कहा कि रिटेन में शिकायत करने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। मुमताज अहमद जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं वो रिटेन में शिकायत करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है, जो जानकारियां मिल रही है, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि तहखाने के अंदर बहुत सारे राज छुपे हो सकते हैं, बहुत कुछ मिल सकता है वहां से, अगर सहयोग नहीं किया जाएगा तो फिर तो दोबारा से इस बात को उठाया जाएगा ना। हिंदू पक्ष के लोगों की तरफ से तो यही कहा जाएगा कि इसलिए सहयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको डर है तहखाने में कुछ हो सकता है। देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अब तहखाने की चाबी वो आज दें, कल दें, दोपहर तक दें, शाम तक दें, मान मनुअल से दें, प्रशासन के दबाव में दें, लेकिन तहखाने की चाबी तो देना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा कोई नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एएसआई सर्वे में कोई दिक्कत नहीं है, एएसआई बहुत फुल प्रूफ काम करती है, हजारों की संख्या में इमारतों का संरक्षण का काम करती है, उसके कामकाज से किसी भी इमारत को ढहने का काम नहीं होता है। हाईकोर्ट में तो एएसआई ने कह दिया कि हाईकोर्ट इलाहाबाद 150 साल
पुराना ये इमारत है उसका संरक्षण भी जज साहब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एएसआई के आलोक त्रिपाठी ने कहा कि इसका भी संरक्षण हम ही करते हैं। 150 साल पुरानी आपकी हाईकोर्ट की ये इमारत है, इसका संरक्षण एएसआई करती है। ये तो दोहरापन है ना, ये तो दोहरापन है ना। एक और आप कह रहे हैं कि हम कोर्ट के सारे आदेश मांगेंगे वीरेश, ये दोहरापन है। एक और आप कह रहे हैं कि हम कोर्ट के सारे आदेश मानेंगे जैसे जैसे कोर्ट निर्देशित कर रहा है, मुझे न्यायालय पर भरोसा है जैसे जैसे कोर्ट निर्देशित कर रहा है वो हम करेंगे, और जब एसआई की टीम पहुंचती है तो आप चाबी नहीं देते हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।